हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे ब्रशेस का कलेक्शन। काफ़ी टाइम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, काफ़ी बार रिक्वेस्ट ऐड हो चुकी है कमेंट बॉक्स के अंदर कि वो देखना चाहते हैं कि ब्रशेस के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे ब्रशेस का कलेक्शन। तो एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से ब्रशेस हैं और मैं किस तरह से उनको यूज़ करती हूँ। सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगी, आपने खूब सारा कॉमेंट बॉक्स में ऐड करा कि ब्रशेस के रिगार्डिंग वीडियो देना था, बट मौका नहीं पड़ा बनाने के लिए। आज मौका पड़ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को मेरे एक्रेलिक पेंटिंग की ब्रशेस की रेंज। तो यहाँ पे देखिए, एक्रेलिक पेंटिंग के ब्रशेस मैं सेपरेट रखती हूँ और ऑयल पेंटिंग के ब्रशेस मैं सेपरेट रखती हूँ। ब्रशेस मैं इसलिए सेपरेट रखती हूँ ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग के, क्योंकि देखिए ऑयल पेंटिंग जो होती है वो तो ऑयल बेस रहता है ना, और जो एक्रेलिक पेंटिंग होती है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है, उसका मीडियम क्या होता है जो यूज़ करते हैं हम, वाटर। और ऑयल पेंटिंग में हम कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैं दोनों के ब्रशेस को सेपरेट रखती हूँ। और एक और चीज़ है, यहाँ पर देखिए ये ऑयल पेंटिंग ब्रशेस हैं मेरे, ये छोटे ब्रशेस हैं। देखिए ये वाला ब्लेंडिंग के लिए ब्रश रख रखा है मैंने, तो ये मेरा सिंपल मेकअप ब्रश एक मैंने बाय किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ब्लेंडिंग के लिए, तो मैंने उसको इस तरह से ब्लेंडिंग के लिए रख दिया। बहुत सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश है और बहुत ही अच्छे से, देखिए अब देख पाएंगे आप अच्छे से, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो इस तरह से यहाँ मैंने अपने सेपरेट रख रखे हैं ऑयल पेंटिंग के ब्रशेस और अपने एक्रेलिक पेंटिंग के ब्रशेस। अच्छा, ब्रशेस जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो लॉन्ग हैंडल होते हैं, एक शॉर्ट हैंडल होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को लॉन्ग हैंडल दिखा देती हूँ। ज़्यादातर मेरे पास लॉन्ग हैंडल ब्रशेस की रेंज है। ये देखिए लॉन्ग हैंडल ब्रश है। लॉन्ग हैंडल यूज़ किए जाते हैं जब हम बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो ज़्यादातर मैं बड़ी पेंटिंग्स बनाती हूँ तो उसकी वजह से मेरे पास लॉन्ग हैंडल की काफ़ी अच्छी रेंज अवेलेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉन्ग हैंडल से बड़ी पेंटिंग्स बनाती हूँ। सपोज़ ये देखिए ये पेंटिंग है, अगर मेरे को बनाना है इसके अंदर तो मैं क्या करूँगी, इतनी दूर रखना पड़ेगा ना मुझे मेरा ब्रश, तो इस वजह से हमको लॉन्ग हैंडल ब्रश की रिक्वायरमेंट रहती है। इसको एक बार कंपेयर करवा देती हूँ आपसे शॉर्ट हैंडल ब्रश से। तो एक बार शॉर्ट हैंडल ब्रश ले लेते हैं हम। देखिए ये वाला सपोज देखिए शॉर्ट हैंडल ब्रश है, ये देखिए कितना छोटा है, ये एक बार कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। अगर हम नापेंगे तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है दोनों के अंदर, काफ़ी डिफरेंस है दोनों के अंदर, है ना। एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, काफ़ी सारा डिफरेंस है, हाफ का डिफरेंस है यहाँ पर। इसके अलावा भी ब्रशेस बहुत लंबे लंबे आते हैं सब, आपने अगर कभी देखा हो MF हुसैन साहब को, बहुत ही बड़े लंबे ब्रशेज यूज़ किया करते थे वो, तो मैंने भी देखा था, उनके वीडियोज़ वगैरह भी देखे थे, उनकी न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ्स भी आती थी तो वो भी देखा करती थी। तो उनके ब्रशेज बहुत ही लंबे होते थे क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते थे, है ना। तो हम थोड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रशेस हम रखते हैं। तो यहाँ मैंने रख रखे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रशेस। थोड़ा सा मैं आप लोगों का अपना वाटर कलर कलेक्शन दिखा देती हूँ। मेरे वाटर कलर कलेक्शन के अंदर मैंने रख रखे हैं, ये देखिए मैं सेपरेट रखती हूँ अपने वाटर कलर कलेक्शन का ब्रश। तो ये ब्रशेज मैंने अपने वाटर कलर कलेक्शन के हैं, इनमें से ही मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने वाटर कलर के लिए भी, मेरे को ब्रश यूज़ करने होते हैं तो मैं वाटर कलर के ब्रशेस ही यूज़ कर लेती हूँ। ये दो ब्रशेस देखिए सेपरेट दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये क्या है, ये चाइनीज़ ब्रशेस हैं। तो ये चाइनीज़ ब्रशेस हैं, ये देखिए ये चाइनीज़ ब्रशेस हैं, इनसे चाइनीज़ वाटर कलर पेंटिंग होती है। तो थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसकी, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक डेमो बना दूंगी, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे अगर आप, कि आप चाइनीज़ ब्रशेस के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी और उसमें एक वीडियो आप लोगों को सेपरेट बना दूँगी। यहाँ देखिए दूसरा मैंने ये कुछ रेगुलर ब्रशेज रख रखे हैं मेरे, ये मेरे रेगुलर ब्रशेज हैं जो मैं वाटर कलर में यूज़ करती हूँ, और इसमें रख रखे हैं मैंने ये कुछ वाटर ब्रशेस भी, ये वाटर ब्रशेस हैं मेरे, ये मैं अपने रेगुलर वाटर कलर पेंटिंग के अंदर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने राउंड ब्रशेस रख रखे हैं, ये देखिए इसकी बेली कितनी मोटी होती है, ये जो इसका बेली होता है ये बहुत मोटी होती है, तो ये इसलिए होती है वाटर कलर ब्रशेस में, जिससे हम इसके अंदर बहुत सारा वाटर और पेंट फिल कर सकें, और ये बहुत हेल्प करती है वाटर ब्रशेस जो पेंट है उसको ईजिली स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं, देखिए ये जो वाटर कलर ब्रशेस हैं इसमें एक बार देख लेते हैं हम के कौन कौन से ब्रशेस हैं। देखिए ये वाला तो है मॉप ब्रश, जब भी हमको सरफेस को गीला करना होता है वाटर कलर में तो हम इस तरह से मॉप ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये वाला कौन सा है, ये वाला देखिए कोम ब्रश।
तो जब हमको ग्रास बनानी है या फिर हमको लॉन्ग जो होती है लंबी वाली घास वो बनानी है तो हम इस तरह से लॉन्ग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट की लीव्स बनाने के लिए भी ये वाले ब्रशेस यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये ड्रैगर ब्रश देखिए, ये जो ये वाला है एंगल शेडर ब्रश। ये जो एंगल शेडर ब्रश है ये मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ लैंडस्केप्स के अंदर बैकग्राउंड देने के लिए। ये बहुत ही अच्छा रहता है जब हम लैंडस्केप्स के अंदर बैकग्राउंड देते हैं। इसके अलावा ये वाला देखिए एंगल शेडर ब्रश है। ये एंगल शेडर ब्रश एक तरफ से कोना इसका तीखा होता है और एक तरफ से इसका इस तरह से ब्रशेस की कटिंग की हुई होती है। ये इस वजह से की होती है कि ये हमको एक शार्प इसका पॉइंटेड मिल जाता है और साथ में हमको जो फ्लैट ब्रश है उसका भी एक आपको वो मिल जाता है, जिससे आप लैंडस्केप्स वगैरह में या बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको कुछ डिटेलिंग देनी है तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए ये वाटर कलर का ब्रश है और इसकी देखिए बेली कितनी मोटी है, ये देखिए इसको देखेंगे आप। ये इसलिए होती है कि वाटर कलर पॉइंटेड ब्रश है ये, आप आराम से इसमें वाटर खूब सारा आप ले सकते हैं जब आप वाटर कलर कर रहे हैं तो, और साथ में आप इसके पॉइंट से डिटेलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर कलर पॉइंटेड ब्रश है। ये देखिए ये वाला ब्रश जो है ये ब्रश है ये वाला लाइनर ब्रश है जिसे एक ज़माने में हम लोग परगजा भी कहते थे। जब मैं बनाती थी राजस्थानी पेंटिंग्स का मैंने जब कोर्स किया था तो हम उस समय ये वाले ब्रशेज़ यूज़ करते थे परगजा। उस समय इजीली अवेलेबल हो जाते थे ये ब्रशेस और काफ़ी कम रेंज के भी अवेलेबल हो जाते थे मार्केट के अंदर जब मैं कॉलेज के अंदर थी और अपनी राजस्थानी पेंटिंग का कोर्स ख़त्म कर रही थी। तो इस ये जो परगजा है ये वाला तो बहुत ही कॉस्टली ब्रश है, ये मॉन्ट माटे का ब्रश है देखिए, और ये काफ़ी कॉस्टली ब्रश आया है मेरे पास, लाइनर ब्रश है ये। इसके अलावा जो कम रेट के ब्रशेस थे जो उस समय में मार्केट में अवेलेबल थे वो ये वाले थे, ये लाइनर ब्रशेस हैं। तो ये लाइनर ब्रशेस हैं जो कम रेंज के मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये मैंने नॉर्मल स्टोर से बाय करे हैं और आर्ट स्टोर से, छोटे से आर्ट स्टोर से बाय करे थे मैंने। परगजा बोलते हैं इनको, लाइनर ब्रश बोलते हैं। बहुत अच्छी इसके अंदर पेंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है और बहुत ही अच्छी डिटेलिंग अगर आपको देनी है, आप बालों को बनाना है या डिटेलिंग इसमें ऐड करनी है वेव्स के साथ, तो आप इनसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला फैन ब्रश है। फैन ब्रश यूज़ आता है ट्रीज़ को बनाने के लिए, वाटरफॉल बना सकते हैं आप फैन ब्रशेस से। उसके अलावा ग्रासेस का इफ़ेक्ट आप फैन ब्रशेस से बहुत ही अच्छा दे सकते हैं। ये सारा अभी मैं आप लोगों को डेमो करके बताऊंगी तो उसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखिए ये वाला है ड्रैगर ब्रश। ड्रैगर ब्रश जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था उसी का एक ये है, वो मेरा ऑयल पेंटिंग कलेक्शन में से था और ये मेरा वाटर कलर कलेक्शन में से है। तो ये है ड्रैगर ब्रश, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका एक पॉइंट शार्प होता है, ये पॉइंट शार्प इसलिए रखते हैं जिससे हम डिटेलिंग दे सकें और साथ में इसमें फ्लैट ब्रश का इफ़ेक्ट भी आता है। तो जब हम वाटर कलर लैंडस्केप्स बनाते हैं या पोस्टर कलर्स में लैंडस्केप बनाते हैं तो अगर हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं डिटेलिंग देने के लिए तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रहता है। उसके अलावा सिंपल अगर हम बात करें फ्लैट ब्रशेस की तो ये देखिए फ्लैट ब्रशेस मैं आपको यहाँ दो तरह के फ्लैट ब्रशेस दिखा रही हूँ। ये लॉन्ग ब्रिसल्स फ्लैट ब्रश है और ये शॉर्ट ब्रिसल फ्लैट ब्रश है। ध्यान से देखेंगे तो एक के ब्रिसल्स लॉन्ग हैं और एक के ब्रिसल्स शॉर्ट हैं। ये इसलिए होता है कि दोनों का इफ़ेक्ट अलग आता है। लॉन्ग ब्रिसल्स के अंदर पेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और शॉर्ट ब्रिसल्स ब्रशेस के अंदर पेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। तो दोनों का इफेक्ट एकदम सेपरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को शो कर दिया अपने कुछ ब्रशेस। इसके अलावा मैं आप लोगों को नीचे डेमो के अंदर करके दिखा देती हूँ एक बार, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँ। तो चलिए एक बार वीडियो में देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स के से, और डिटेल में जान लेते हैं ब्रशेस के बारे में, पेंटिंग ब्रशेस के बारे में।
पेंट ब्रशेस जो आते हैं वो बहुत ही डिफरेंट साइजेस, शेप्स और सबके हेयर अलग अलग होते हैं, तो वैरायटी बहुत ही वास्ट वैरायटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर पेंट ब्रशेस के लिए। और इस रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ैन ब्रशेस की। तो यहाँ जो फ़ैन ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ वो है सिंथेटिक हेयर फ़ैन ब्रश और हॉग ब्रिसल फ़ैन ब्रश। सिंथेटिक हेयर फ़ैन ब्रश जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और वाटर कलर और पोस्ट कलर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अगर हमारा मन है तो हम एक्रेलिक पेंटिंग के लिए और ऑयल पेंटिंग के लिए भी सिंथेटिक हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ेक्ट अगर हम ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग की बात करें तो ये हॉग ब्रिसल्स फैन ब्रश का इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है एक्रेलिक पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग में। तो मैं तो अपने ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग के लिए हॉग फैन ब्रश ही यूज़ करती हूँ, हॉग ब्रिसल्स वाले फ़ैन ब्रश यूज़ करती हूँ। पेंट ब्रशेस जो होते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, और अलग अलग तरह से फ़ैन ब्रशेस अलग अलग तरह से अगर हम ब्रशेस को यूज़ करें तो हमारी क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ जब हम गीला कर लेते हैं, यहाँ देखिए सिंथेटिक फ़ैन ब्रश को, तो इस तरह से इसके ब्रशेस आपस में चिपक जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग इफ़ेक्ट देता है। अगर हम ग्रास बनाते हैं और अगर हम ट्री के लीव्स, स्पेशली कोकोनट ट्री की अगर हम लीफ बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमको देता है वाटर कलर्स में और पोस्ट कलर्स में। जो साइजेस अवेलेबल होते हैं पेंट ब्रशेस के वो 000 से लेकर जितना भी मैक्सिमम नंबर हमको चाहिए उतना बड़ा नंबर हमको, हायर नंबर हम ले सकते हैं मार्केट से। और जैसे जैसे हम हायर नंबर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो ब्रश है वो बिगर होता चला जाएगा और वाइडर होता चला जाएगा। तो और एक और चीज़ है कि अगर सपोज़ जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर होते हैं, अगर किसी का मैंने 10 नंबर यूज़ किया ब्रश और मेरा मैन्युफैक्चरर कोई और है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मार्केट में अगर मैंने 10 नंबर का ब्रश देखा जो दूसरे मैन्युफैक्चरर का था तो दोनों ब्रशेस में डिफरेंस होगा। ये चीज़ होती है, अलग 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 मैन्युफैक्चरर के सेम नंबर के ब्रशेस में डिफरेंस होता है। तो इस तरह से देखिए फ़ैन ब्रश को हम यूज़ करेंगे और इस तरह से हम फ़ैन ब्रश को यूज़ करके बहुत ही अच्छा ग्रास इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्री की लीव्स का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं वो बता रही हूँ एक्रेलिक कलर का। अब आपको बता देते हैं एक बार डेमो देकर कि एक्रेलिक कलर के लिए हम अगर यूज़ करेंगे फ़ैन ब्रश तो किस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक शीट यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे फ़ैन ब्रश लिया है मैंने, जो लिया है हॉग ब्रिसल फ़ैन ब्रश। तो यहाँ हॉग ब्रिसल फ़ैन ब्रश से मैं आप लोगों को ग्रास बनाकर उसका इफ़ेक्ट दिखा देती हूँ एक बार। इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं फ़ैन ब्रश को ट्रीज़ बनाने के लिए, ट्रीज़ की लीव्स, और इसके अलावा इस तरह से वाटरफॉल बनाने के लिए भी हम फ़ैन ब्रश को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हॉग ब्रश, हॉग ब्रिसल फ़ैन ब्रश का इफ़ेक्ट बिल्कुल अलग रहता है सिंथेटिक ब्रिसल फ़ैन ब्रश से, तो दोनों के इफ़ेक्ट अलग अलग हैं। दोनों का हमको उस समय पर्पस समझना होगा कि हमारी पेंटिंग में किसकी रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से हमको वर्क करना चाहिए। अब मैं यहाँ जो आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ पॉइंटेड ब्रश। तो यहाँ पे मैंने एक्वा फाइन का डेलर रोवनी का ये जो मेरा पॉइंटेड ब्रश है वो यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा वाटर होल्ड करता है क्योंकि इसकी बेली बहुत ही अच्छी, एकदम थिक बेली है इसकी। बेली मतलब ये जो इसका जो मोटा वाला पार्ट होता है ब्रिसल्स का, इसको बेली बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात इस पॉइंटेड ब्रश की ये है कि आप इससे जो डिटेल वर्क है वो भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग रहता है ये। ये जो ब्रश है ये नेचुरल हेयर ब्रश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये ब्रश स्क्विरल हेयर ब्रश मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, तो वो ब्रश है ये। ये काफ़ी कॉस्टली आया था और ये मैं वाटर कलर्स के अंदर यूज़ करती हूँ।
यहाँ पे देखिए इस तरह से डिटेलिंग बहुत ही अच्छी, यहाँ पर ये पूरी पेंटिंग मैंने इस ब्रश से ही बनाई है। लास्ट में मैंने डिटेलिंग के लिए राउंड ब्रश यूज़ किया था, बाकी पूरी पेंटिंग मैंने इसी ब्रश से यहाँ पर क्रिएट करी है। अगर आप देखना चाहते हैं इस पेंटिंग का डिटेल वीडियो तो आप लोगों को ऊपर अपर कार्ड में शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं जाकर। वाटर कलर इन हिंदी की प्लेलिस्ट में भी अगर आप जाके देखेंगे तो आप लोगों को शो हो जाएगा। तो ये इस वाले ब्रश का ये वाला इफ़ेक्ट रहता है अगर हम वाटर कलर करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं राउंड ब्रशेस की। तो यहाँ राउंड ब्रशेस की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे नंबर्स में अवेलेबल रहते हैं राउंड ब्रशेस, और 000 से लेकर जितना भी हायर नंबर हमको लेना है मार्केट में उस नंबर तक राउंड ब्रशेस अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम हायर राउंड ब्रशेस की तरफ जाएंगे वैसे उसकी बेली जो है वो अच्छी थिक होती चली जाएगी। पॉइंट सेम ही रहता है, पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बहुत हमको बिल्कुल जो डिटेल हमको वर्क करना है तो हमको स्मॉल नंबर से डिटेलिंग करनी चाहिए, जैसे इस तरह से। जितना आप छोटा ब्रश लेंगे उतना ही बारीक चलेगा, और अगर आप हायर नंबर के ब्रशेस के लिए जाएंगे तो उतना ही थिकर इफेक्ट आपको मिलेगा क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा है। क्योंकि जो थिक ब्रश होता है वो कंसिडरेबली जो हम अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा पेंट अपने अंदर होल्ड कर लेता है, और आपको और हमको पेंट कंटिन्यूटी में हम लगा सकते हैं बिना उसको डिप करे, क्योंकि उसकी बेली में काफ़ी सारा पेंट उसने होल्ड करा हुआ होता है। तो थिक ब्रशेस का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, और छोटे नंबर वाले जो ब्रश होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेली में इतना पेंट वो नहीं होल्ड कर सकते। तो यहाँ देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कॉम ब्रश की। तो ये लॉन्ग ब्रिसल्स कॉम ब्रश है एक, और एक है शॉर्ट ब्रिसल्स कॉम ब्रश। तो ये लॉन्ग ब्रिसल्स कॉम ब्रश है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है जब हम काम करते हैं तो। इसके ब्रिसल्स लॉन्ग है इसलिए इसका इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग आता है, और ये शॉर्ट ब्रिसल्स कॉम ब्रश है तो इसका ब्रिसल्स थोड़ा सा देर से मूव करता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम करते हैं बहुत अच्छे से तो दोनों ब्रश में मैं कहूँगी कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो ये यहां से हम देख लेते हैं, देखिए ग्रास बना सकते हैं हम इस तरह से, और ट्री की लीव बना सकते हैं, हेयर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम इन ब्रशेस को यूज करके डिटेलिंग दे सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे फ्लैट ब्रश होता है उसी तरह से ये फ्लैट ब्रश की तरह ही होता है, बस इसका जो टॉप एरिया है वो चेंज होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये लाइनर ब्रश है, लाइनर स्क्रिप्ट ब्रश, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसको परगजा भी बोलते हैं, तो इससे हम डिटेलिंग काफ़ी अच्छी ऐड कर सकते हैं। अगर हमको हेयर वगैरह की डिटेलिंग ऐड करनी है तो हम इस वाले ब्रश से बहुत ही अच्छी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका मैंने डिटेल आप लोगों को पहले भी बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैट ब्रश की। देखिए फ्लैट ब्रश में भी वही है, लॉन्ग हेयर फ्लैट ब्रश है यहाँ पर, और शॉर्ट हेयर फ्लैट ब्रश, दो तरह के फ्लैट ब्रशेस बता रही हूँ मैं आपको। फ्लैट ब्रश जो होते हैं वो बिल्कुल रेक्टेंगल होते हैं और इस तरह से बिल्कुल फ्लैट लुक आता है उसका जब हम काम करते हैं तो, लेकिन जब हम उसको वर्टिकल यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से लाइनर भी डिटेल्स भी दे सकते हैं। अगर हम छोटे वाले फ्लैट ब्रश की बात करें जिसकी ब्रशेस छोटी है, तो ऐसे फ्लैट ब्रशेस फिलिंग पर्पसेस के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। इस तरह से हम बहुत ही अच्छी उसके अंदर पेंट को ये अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं, और इस तरह से बहुत ही अच्छी फिलिंग ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम फ्लैट ब्रश यूज़ करके, शॉर्ट ब्रिसल्स फ्लैट ब्रश यूज़ करके हम बहुत ही अच्छी इस तरह से फिलिंग दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्बर्ट ब्रश की। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिल्बर्ट ब्रश एग्जैक्टली सेम होता है जैसे फ्लैट ब्रश होता है, बस इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड शेप में कटे हुए होते हैं, तो इसकी वजह से ये हमको और ज़्यादा फ्रीडम देता है कि हम फ्लैट ब्रश में जो हम केवल फ्लैट यूज़ कर सकते थे अपने ब्रश को, यहाँ हम राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश दोनों का काम कर देता है ये। तो फिल्बर्ट ब्रश बहुत ही अच्छा रहता है फिलिंग पर्पसेस के लिए और इस तरह से लैंडस्केप के अंदर बैकग्राउंड बनाने के लिए।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रैगर ब्रश की। ड्रैगर ब्रश मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसका एक जो कॉर्नर होता है ये बिल्कुल शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, और इसकी वजह से हम डिटेलिंग कर सकते हैं, हमें बार बार ब्रश बदलने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हम छोटे छोटे एरिए के अंदर भी इस तरह से पेंट फिल करके और फिर हम अपने ब्रश का चेंज करके और इस तरह से हम पूरे बैकग्राउंड को भी बना सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रैगर ब्रश की। ड्रैगर ब्रश को चलाने की टेक्निक बहुत ईजी है, जिस तरह से फ्लैट ब्रश चलाते हैं उसी तरह अगर वर्टिकल चलाएंगे तो इस तरह से हमारे पास डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं हम, और हॉरिजॉन्टल चलाएंगे तो इस तरह से हम फिलिंग्स दे सकते हैं बहुत ही अच्छी। तो कंप्लीट वॉशेज आप बना सकते हैं फ्लैट ब्रश को यूज़ करके। फ्लैट ब्रश ये जो ड्रैगर ब्रश है ये यूज़ आता है लैंडस्केप्स वगैरह में बहुत ही अच्छी। ये देखिए ये डियर फुट ब्रश है, ये यूज़ आता है क्लाउड्स बनाने के लिए और ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ज़्यादातर जो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका वो मुझे मिला इसमें पोस्टर पेंटिंग अगर करते हैं हम तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है, ये बहुत ही अच्छे से कलर ब्लेंडिंग हो जाती है इससे और बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहता है। तो क्लाउड्स बनाने के लिए और जहां हमको बड़े सर्फेसिस को कवर करना है, जहां हमको ब्लेंडिंग नहीं कर शो करनी है बाद में, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है और एकदम बहुत अच्छे से आप अपने कलर ब्लेंड्स हो जाते हैं इस वाले ब्रश से। यहाँ पर देख लेते हैं ये वाटर ब्रश है। ये वाटर ब्रश जो होता है इस तरह से इसमें वाटर फिल कर सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है वाटर ब्रश के रिगार्डिंग, देखना चाहते हैं वीडियो तो वो भी आप लोगों को लिंक में शो हो जाएगा, अपर कार्ड में भी हो जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। जो भी मटीरियल अवेलेबल, जो भी मटीरियल मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक्स भी अवेलेबल हैं और आप केवल विजिट करना चाहें तो विजिट करके भी देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है ये। ज़्यादातर मैं अपनी स्केचबुक्स के अंदर वाटर ब्रश को यूज़ करती हूँ क्योंकि वाटर ब्रश मुझे बहुत हैंडी रखता है। स्केचबुक हम कहीं भी लेकर बैठ सकते हैं, हमको केवल हमारे पेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और इस तरह से वाटर ब्रश की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मुझे वाटर ब्रश से अपनी स्केचबुक फिल करना बहुत अच्छा लगता है। ये स्केचबुक के अंदर मैंने एक स्केच बनाया था आज सुबह ही, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये पूरा मैंने इसी ब्रश से बनाया है, जो ब्रश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वाटर ब्रश। तो यहाँ पर ये वाटर ब्रशेस बहुत ही अच्छे रहते हैं अगर हमें इस तरह से करना है पेंटिंग। तो यहाँ देखिए जो कॉम ब्रश था उसका एक बार इफेक्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को। हेयर की बात करी थी मैंने, तो यहाँ कॉम ब्रश के अंदर इस तरह से हेयर बहुत अच्छे निकल के आते हैं अगर आप बनाते हैं तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो यहाँ मैंने अपने शेयर किया आप लोगों के साथ मेरे ब्रशेस का कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।